तो फिर हेलो फ्रेंड, जैसे कि जैसे मुझे जानते हो कि इस टाइम यार मैं नाश्ता वगैरह कर रहा हूँ, नाश्ता वगैरह करते हो तो यार फिर निकलती है बाहर। यार इस टाइम मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी, लिपी आया हुआ था, तो वीडियो वगैरह बना दी। इस टाइम मैं जा रहा हूँ यार बिल वगैरह जमा कराने। यार इस टाइम मुझे भूख लगी, मैंने कहा खाना वगैरह खाती, तो खाना तो मैं खाऊंगा नहीं यार आज। मैंने कहा यार आज फल वगैरह ही खाती है, ख़त्म करती है। तो यार अभी अभी अकेडमी से हैं तो फिर घर पहुँच गए तो आगे उनका प्लान देखिए। तो यार अभी भी मैं घर ही आया था यार, फिर सामने पापड़ बने थे, पापड़ उसी ना चेक कराता हूँ आपको। तो फिर यार इस टाइम में पापड़ वगैरह बन गया, आप चेक करते हैं पापड़ वगैरह चेक करते हैं यार। तो फिर यार इस टाइम मैं खाना वगैरह खा रहा हूँ, चेक करते हैं। मजेदार। तो फिर यार इस टाइम मेरा दिल के साथ चाय पीने का, तो फिर मैं बना लूंगा यार सब चाय। सबसे पहले इसको धोती है पति को। तो यार ये सब चाय की पत्ती है, इसको पहले धोएंगे हम, कप में डाल देती है। यार ये जो पत्ती है ना, ये है पत्ती है, नाम आता है मरी की, मरी से आई थी। अब इसको बनाते हैं, फिर धोती है। तो फिर यार मैंने पत्ती वगैरह धो लिया, तो सोच में रखते है ना चूल्हे पे। पहले इसका कहवा बनाती, मुझे भी बनाने नहीं आती, खुद ही बना लूँ। पत्ती वगैरह डाल दी, लगता है ये भी निकालती है। तो फिर यार मैंने सब चाय की पत्ती वगैरह रख दी है चूल्हे पे। अब जैसे पत्ती वगैरह गाढ़ी होती है पानी वगैरह, उसमें ये रंग छोड़ता है तो फिर दूध डालती है। तो फिर इस टाइम ये रंग वगैरह तो छोड़ गई है पत्ती, इसको फेंटता हूँ अच्छी तरह के रंग और छोड़े, फिर दूध डाल के उसको निकाल लेंगे हम बाहर। तो फिर इस टाइम ये रंग तो इसने बड़ा अच्छा छोड़ दिया, इसको निकालते हैं। पिंक रंग पता नहीं कैसे होगा, दूध डालूंगा शायद वो होगा, उसको छान लेते हैं। बल्कि मोबाइल बंद करूँ फिर पहले छान लूँ। तो फिर यार इस टाइम मैंने कावा वगैरह छान लिया और इसमें अब दूध डालती है। तो फिर यार इस टाइम मैंने दूध वगैरह डाल लिया है, अब इसको रखते हैं हम चूल्हे पे ताकि गर्म हो, फिर इसके अंदर मैं वो कावा मिलाऊंगा, कावा ये पड़ा तो अभी गर्म करते हैं पहले इसको थोड़ा। तो फिर यार ये दूध वगैरह तो हो गया गर्म, अभी डालते हैं कावा और रंग आ जाए। वो हाथ नहीं लग गया बुला की, ये चेक कर, वही तो चाय कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो चॉकलेट कलर आ गया, पोस्ट के आ गया, ये चॉकलेट कलर कैसे आया यार। ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी यार, मेरे से स्कैम हो गया यार। इसमें फूड कलर डलता है गुलाबी सब चाय में, कलर ही नहीं आया, चॉकलेट कलर आ गया, चेक करो। चलो कोई बात नहीं, फूड कलर यार वो जो भी कलर डलता है वो ख़त्म हुआ होता तो वैसे ही पियेंगे। अभी तो गाड़ी बुढ़ी चाहिए, फुल गाड़ी, पानी तो देखा ही इतना सा डर है, ऊपर दूध भी मैंने अलग गाढ़ा किया था। ये चीज़ चाहिए, इसको अच्छा सा पकाते हैं कि गाढ़ी हो जाए, फुल क्रीमी हो जाए। यार चॉकलेट यार पक तो गई, और चॉकलेट क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, सब चाय पक तो गई है, मगर यार अभी इसका थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि गाढ़ी हो तो मज़ा आता है ना, तो इसलिए पकने देंगे थोड़ी और, क्रीमी हो जाए फुल, फिर निकालते हैं फिर ही मिलेंगे। यार मेरी चाय वगैरह तो बन गई है, चेक करो, यकीन करो मैंने इतना बादाम वगैरह की टॉपिंग कर लिया, और बादाम ऊपर ही नहीं आ रहे, मैंने ज़्यादा ही मोटे काट लिए, नीचे डूब जा रहे, बादाम ही लग रहे हैं यार, आ गया ऊपर यार। मैंने यकीन करो ये वाले कप आप लगा लो कि मैंने 4 कप दूध डाला है, और ये देख लो ये 2 कप बने वो भी इतने इतने, यानी कि इतना दूध मैंने उड़ाया है सिर्फ इस गाड़ी इतनी की है, क्या करते हैं अब। वो जिसे कहते हैं ना फुल गाड़ी फुल क्रीमी हो गई है, मजेदार हो गया यार। तो फिर यार मैं कहता हूँ इसके बाद आज का लोग यहीं पर एंड करते हैं, आप लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब लाजमी करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।